पांच राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब लॉरेंस पंजाब के मुख्तसर पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। लॉरेंस बिश्नोई को आज होशियारपुर की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मुख्तसर पुलिस को उसका ट्रांजिट रिमांड मिला है। उसे मलोट में 2 साल पहले फाइनेंसर कत्लकांड में पूछताछ की जाएगी, जिसके कत्ल के बाद लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई को मुख्तसर की कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस तिहाड़ जेल से लेकर आई है। उसे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लाया गया है। इसके बाद पंजाब में उसके खिलाफ दर्ज हर केस में उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। दरअसल मलोट के गांव औलख में 22 अक्टूबर 2020 को फाइनेंसर रणजीत सिंह उर्फ राणा का गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो गर्भवती पत्नी राजवीर कौर को अस्पताल में दवाई दिलाने गया था। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचे तो स्विफ्ट कार सवार 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर राणा का कत्ल कर दिया था। कत्ल के 4 घंटे के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि राणा का हाथ लॉरेंस के साथ ही गुरलाल बराड़ की हत्या में शामिल था। कत्ल के बाद लॉरेंस गैंग ने फोटो पोस्ट किए थे, जिसमें फाइनेंसर राणा को गैंगस्टर देवेंद्र बम्बीहा गैंग का करीबी भी दिखाया गया था। इसके बाद पुलिस जांच में माना गया था कि राणा का कत्ल लॉरेंस और बम्बीहा गैंग की गैंगवॉर का नतीजा है, जिसे गुरलाल बराड़ के कत्ल का ये बदला बताया गया था। उसकी कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ में हत्या की गई थी। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को इस मामले में भी पंजाब पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।